चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग 24 चैप्टर अभी तक देख चुके हैं। 24वां चैप्टर था आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। इसमें देखने वाले हम लोग मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। याद रखिए आपके जो भी 2019 का करंट अफेयर्स है पूरा 2018 नवंबर दिसंबर से लगाकर 2019 का कंप्लीट पूरा एक वीडियो में आपका डाल दिया है, ठीक है, जिसमें 2019 का पूरा करंट अफेयर्स आपका सम्मिलित है। तो याद रखिए वहाँ से अपडेट होते रहिएगा। जो तानसेन सम्मान 2018-19 का मिला हुआ है उसमें दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना। इसमें हम लोग इनके बारे में शुरू में किसे मिला है, ये किस क्षेत्र में मिलता है, इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा तानसेन सम्मान। कौन सा तानसेन सम्मान? तानसेन सम्मान की स्थापना 1980 में, इसकी स्थापना कब हुई, 1980 में संगीत क्षेत्र के तीन विद्वान कृष्ण राव पंडित, हीराबाई बढ़ोतकर, बिस्मिल्ला खान को दिया गया था। पहली बार तीन लोगों को दिया गया था। 2015-16 में एलके पंडित तथा 2017-18 में पखावज वादक पंडित ला दालचंद को दिया गया था, ठीक है। और 18-19 का जो हमने करंट अफेयर्स देखा है उसमें देखा है, ठीक है, वहाँ से देखते रहना। फिर है कालिदास सम्मान, ये आपका 1980 से प्रारंभ हुआ। रंगकर्म के क्षेत्र में 2015-16 में राज बिसारिया तथा 2016-17 में बंसी कौल को दिया गया था। वर्ष 2017-18 का यह सम्मान विख्यात रंगकर्मी राम गोपाल बजाज को दिया जाएगा, ठीक है, दिया गया। तुलसी सम्मान, ये आपका 1983-84 में शुरू हुआ था। पहली बार पंडित गिरिजा प्रसाद को मिला था। 2012-13 में पंडित राम सहाय को दिया गया था। कबीर सम्मान 1986 से शुरू हुआ, पहली बार गोपाल कृष्ण अड़िक को दिया गया था, ठीक है। फिर आपका कुमार गंधर्व, ये 1992 में शुरू हुआ, पहली बार अजय चक्रवर्ती को दिया गया था। किसे? अजय चक्रवर्ती को दिया गया था। लता मंगेशकर सम्मान 1984 में शुरू हुआ, ये पहली बार नौशाद अली को दिया गया था। लता मंगेशकर सम्मान 1984 में शुरू हुआ, नौशाद अली को दिया गया था। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान, ये 2013 में शुरू हुआ, पृथम्बा सुयश सु यस चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये आपका 1987 में शुरू हुआ। प्रथम सम्मान ये श्री शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था, ठीक। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 1987 में शुरू हुआ। प्रथम सम्मान ये प्रथम बार अली सरदार जाफरी को दिया गया था। शरद जोशी सम्मान 1992-93 में शुरू हुआ, पहली बार ये श्री हरिशंकर परसाई जी को दिया गया था, ठीक है। हमेशा परीक्षाओं में या तो पहली बार जैसे सम्मान दिया गया उसके बारे में पूछेगा, या करेंट में जो भी आपका ईयर चल रहा है, फिर चाहे 19 हो या फिर 20 में हो, क्योंकि या तो शुरू का पूछता है या लास्ट का। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि 12 में किसे मिला था, 13 में किसे मिला था, ठीक। तो लास्ट का याद रखिए और शुरू का याद। फिर है आपका किशोर कुमार सम्मान 1996-97 में शुरू हुआ। प्रथम सम्मान प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान 1995-96 में शुरू हुआ, पहली बार ये कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को दिया गया था। फिर है आपका राष्ट्रीय स्तर सर्वोच्च शिखर सम्मान, ये 1980-81 से शुरू हुआ, पहली बार श्रीकांत वर्मा डी के जोशी एवं कार्तिक राम को दिया गया था। अरुणा सानवाग पुरस्कार, ये 19 मई 2015 को महिला पंचायत के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, ने महिला के हिंसा के खिलाफ काम करने वालों को अरुणा सानवाग के नाम पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा की थी। फिर आपका मुख्यमंत्री नारी सम्मान पुरस्कार,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और हिंसा के मामलों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत राज्य स्तर पर 1 लाख रुपये और जिला स्तर पर 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, फिर है आपका वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान, ये आपका 2013 में शुरू हुआ। पहली बार ये माउंट एवरेस्ट विजेता पहली भारतीय महिला सुश्री बछेंदी पाल को दिया गया था। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, ये आपका 2008 में शुरू हुआ। पहली बार रांची को रोड करकेटा के लिए को दिया गया था। ठीक, वीर शंकर साह एवं रघुनाथ साह राष्ट्रीय सम्मान 2008 में शुरू हुआ। पहली बार मेघालय के किन फाम सिंह नो किन रेह को दिया गया था। ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान, ये आपका 2008 में शुरू हुआ। पहली बार केरल के उत्तर वायनोड स्थित स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को दिया गया था। महेश पढ़नी पुरस्कार, ये 2008 से शुरू हुआ है। महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय पुरस्कार 2008-09 में शुरू हुआ। यह आपका पहली बार रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ को दिया गया था। निराला स्मृति सम्मान 2014 से शुरू हुआ है, इसमें 21,000 रुपये दिए जाते हैं। पहली बार राजेश जोशी को दिया गया था। मध्य प्रदेश में 4 नए शिखर सम्मान, कौन कौन से? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4 नए राष्ट्रीय शिखर सम्मान स्थापित किए गए। यह सम्मान नृत्य, नाटक, संगीत और दुर्लभ वाद्य वादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे। इन्हें मिलाकर राज्य के शिखर सम्मान 3 से बढ़कर 7 हो जाएंगे। नए शिखर सम्मान के अंतर्गत भी सम्मान निधि के रूप में 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। साहित्य, प्रदर्शन कला और रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में शिखर सम्मान पहले से स्थापित थे। फिर है आपका कवि प्रदीप अलंकरण, अमर गीतकार राष्ट्रीय कवि प्रदीप के नाम से पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 23 मार्च 2015 को मशहूर गीतकार गोपाल दास नीरज को दिया गया है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 में स्थापित हुआ। ये 2013-14 में बाल कवि बैरागी को मिला था, 2014-15 में सोम ठाकुर, 2015-16 में माया गोविंद और 2017-18 सुरेंद्र शर्मा को। फिर है आपका दीनदयाल पोषण पुरस्कार, दीनदयाल पोषण पुरस्कार 11 फरवरी 2017 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। विदेश में चल रहे विशेष वजन अभियान के तहत सामने आए कम वजन के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार के लिए 1 मार्च 2017 से विशेष पोषण अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित फेलोशिप प्रदान की जाती है, तो याद रखना है गजानंद माधव मुक्ति फेलोशिप आपकी साहित्य के लिए दी जाती है। चक्रधर फेलोशिप लोक कला, शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला के लिए दी जाती है। अमृता सरगिल फेलोशिप आपकी रूपांकर ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, यह संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। श्रीकांत वर्मा फेलोशिप गैर हिंदी भारतीय भाषा में हिंदी कविता के अनुवाद के लिए दी जाती है। राजेंद्र माथुर फेलोशिप आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। और इंदिरा गांधी आपकी फेलोशिप आपकी पर्यावरण के लिए दी जाती है। ठीक है, इन्हें याद रखना है आपको, किस क्षेत्र में दी जाती हैं, किन से संबंधित हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार हैं, उन्हें एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं हम लोग। राशि इनकी बदलती रहती है, ठीक है, तो जो करंट में आएगी उसे याद रखना है आपको। कालिदास सम्मान ये दिया जाता है आपका शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य 1980 में स्थापित हुआ। शिखर सम्मान ये आपका साहित्य, प्रदर्शनकारी कलाएँ, रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में दी जाती है 1980 में। तानसेन सम्मान ये आपका शास्त्रीय संगीत है के क्षेत्र में दिया जाता है 1980 में। तुलसी सम्मान लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दी जाती है 1983 में। लता मंगेशकर पुरस्कार सुगम संगीत के क्षेत्र में
1984 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार आधारभूत विज्ञान तकनीकी विकास इंजीनियरिंग विकास के क्षेत्र में दी जाते हैं। कबीर सम्मान भारतीय कविता के क्षेत्र में 1986-87 में। मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी कविता के लिए 1987-88 में शुरू हुआ। इकबाल सम्मान आपका उर्दू साहित्य में दिया जाता है 1987 से शुरू हुआ। शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग लेखन के लिए दिया जाता है 1992 से शुरू हुआ। कुमार गंधर्व सम्मान युवा शास्त्रीय संगीतकार के लिए दिया जाता है 1992 में शुरू हुआ थे। महात्मा गांधी सम्मान ये आपका गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है 95-96 से शुरू हुआ 1995-96 से। किशोर कुमार सम्मान आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1996-97 से ये शुरू हुआ। फिर है आपका देवी अहिल्या सम्मान ये आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है 1996-97 से दिया जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार व्यंग निबंध स्मार्ट रेखाचित्र यात्रा आत्मकथा डायरी पत्र रिपोर्टाज के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर पुरस्कार ये प्राचीन संपदा एवं पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए दिया जाता है 2005-06 से। भावभूति अलंकरण अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार ये समाज में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है 1985 से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार समाज के किसी विशेष क्षेत्र में समर्पित सेवा हेतु दिया जाता है ये भी आपका 1985 से शुरू हुआ। फिर संत रविदास स्मृति पुरस्कार सामाजिक सेवा जागृत तथा दलित वर्गों के उत्थान में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है 2004 से। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार आदिवासियों के विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति व संस्थाओं को प्रदान किया जाता है 2008 से दिया जा रहा है। शंकर साह एवं रघुनाथ साह राष्ट्रीय पुरस्कार ठक्कर बापा राष्ट्रीय पुरस्कार ये आदिवासी समुदाय के निर्धन पीड़ित व पिछड़े लोगों के प्रति प्रेम व समतापूर्वक रेखा सेवा हेतु दिया जाता है ये भी आपका 2008 से दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान पुरस्कार समाज सेवा व देशभक्ति के लिए दिया जाता है 2006-07 से। राष्ट्रीय कवि प्रदीप पुरस्कार राष्ट्रीयता की कविता हेतु दिया जाता है 2011 से। वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान अदम्य साहस वीरता नारी उद्यान सामाजिक जागरूकता के लिए दिया जाता है 2013 से। अब देख लेते हम लोग सांस्कृतिक संस्थाएं एवं अकादमियां मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं एवं अकादमियां उन्हें देख लेते हैं। भारत भवन क्या है? भारत भवन मध्य प्रदेश में कला के विकास के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 13 फरवरी 1982 को भोपाल में चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किए गए भारत भवन का उद्घाटन किया था। भारत भवन में निम्न 6 भाग हैं क्या याद रखना है? ये भोपाल में है 13 फरवरी 1982 को इसकी उद्घाटन हुआ था ठीक है। और इसका डिजाइन किसने किया? चार्ल्स कोरिया ने। इसमें शामिल है आपके भवन रूपांकर या ललित कलाओं का संग्रहालय वागर्थ यह 14 भारतीय भाषाओं की कविताओं का पुस्तकालय है अनहद यह शास्त्रीय और लोक संगीत सामग्री का संग्रहालय है अंतरंग बहिरंग इसमें आंतरिक एवं बाह्य रंगमंच है ललित कलाओं का पुस्तकालय एवं अभिलेखाकार है आकार इसमें ग्राफिक्स मूर्ति शिल्प एवं चित्रकला से संबद्ध कर्मशालाएँ हैं। फिर है आपका रविंद्र भवन यह भी भोपाल में स्थित है इसका संचालन राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय द्वारा किया जाता है। इस भवन में 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है इसमें शास्त्रीय नृत्य संगीत एवं नाटक का आयोजन किया जाता है। फिर है आपका मध्य प्रदेश कला परिषद इसकी स्थापना 1952 में हुई यह भी भोपाल में आपका है। यह परिषद खजुराहो के समारोह तानसेन समारोह आदि का आयोजन करती है। फिर है आपका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत इस अकादमी की स्थापना 1969 में हुई। द्विमासिक पत्रिका रचना का प्रकाशन इस अकादमी द्वारा किया जाता है। उच्च शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य एवं ललित कला अकादमियां या आपकी अकादमियों के नाम हो गए, उनकी स्थापना वर्ष हो गई और मुख्यालय मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 में स्थापना हुई इसकी भोपाल में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 में इसकी स्थापना हुई, ये भोपाल में है। कालिदास अकादमी 1977 में इसकी स्थापना हुई, उज्जैन में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकादमी 1979 में हुई, मेहर सतना में इसकी स्थापना, ठीक है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में स्थापना हुई, ये भोपाल में है आपका। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 में हुई इसकी स्थापना, ये भी भोपाल में आपका स्थित है। अल्लामा इकबाल अकादमी 1984 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 में की स्थापना हुई, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपका भोपाल में। भारत भवन 1982 में इसकी स्थापना हुई, भोपाल में स्थित है। पुरातत्व एवं अभिलेखाकार संग्रहालय 1956 में स्थापना हुई, भोपाल में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक भवन 1997 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आपका भोपाल में। अब बात करते हैं प्रमुख संग्रहालय मध्य प्रदेश के। प्रमुख संग्रहालय क्या है? मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं संचालनालय की स्थापना 1956 में भोपाल में की गई तथा वर्ष 1994 में राज्य अभिलेखाकार का संविलियन भी इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के संग्रहालय, पहला है आपका पुरातत्व संग्रहालय सांची, जिला रायसेन में है। इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित अवशेष हैं आपके। दूसरा है पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो, ये आपका छतरपुर जिले में है। इसमें चंदेल काल 11वीं से 12वीं सदी की प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं, जिसमें अग्नि और स्वाहा, अर्धनारीश्वर आदिनाथ, गजलक्ष्मी, मिथुन मूर्तियाँ प्रमुख हैं। राज्य स्तरीय संग्रहालय 6 कौन कौन से? केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल आपका ग्वालियर 1909 में बना। राजकीय संग्रहालय भोपाल 1987 में इसकी स्थापना हुई, सॉरी 1887 फिर 1964 में इसकी। फिर तीसरा केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में है 1931 में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर 1975 क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई। फिर है आपका राजकीय संग्रहालय धुबेला छतरपुर में 1955 में। तुलसी संग्रहालय रामबन सतना 1978 में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में स्थित है। बात करते हैं जिला संग्रहालय की, ये 9 हैं आपका। शिवपुरी, धार, मंडला, विदिशा, शहडोल, राजगढ़, देवास, मंदसौर और होशंगाबाद में स्थित हैं। इनमें से शिवपुरी तीर्थकर प्रतिमाओं के लिए और मंडला जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय संग्रहालयों की बात करें तो इनमें भानपुरा इंदौर, मंदसौर, आशापुरी रायसेन, महेश्वर खरगोन, गंधवपुरी देवास और दमोह में संचालित स्थानीय संग्रहालयों में स्थानीय स्तर पर प्राप्त पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है। फिर विश्वविद्यालय संग्रहालय, 3 विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जबलपुर में विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने अपने यहाँ पुरातत्व संग्रहालय स्थापित कर रखे हैं। तो ये था आपका पुरस्कार, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग व्यक्तित्व को देखेंगे उनके, ठीक है।